मुझे लगता है कि जो कहावत कही जाती है, करनी का फल आज नहीं तो कल। जो भी व्यक्ति जो करता है उसका फल उसको भुगतना ही पड़ता है। तो कहीं ना कहीं ये धोखाधड़ी का मामला था जिसमें उनके ऊपर केस दर्ज था, और आज न्यायालय ने अगर उनके खिलाफ ये कार्रवाई की है, ये सजा सुनाई है, तो निश्चित रूप से ये कहा जाएगा कि कोई भी व्यक्ति कोई भी धोखाधड़ी करता है, अपराध करता है, तो उसको सजा मिलती है, और वही हुआ है। उन्होंने दो दो बर्थ सर्टिफिकेट बनाया था जिसके वजह से उनके ऊपर ये मुकदमा दर्ज था, और आज उसी में उनको सजा हुई है। देश की न्यायपालिका में हम सबको पूर्ण विश्वास है, और जो उन्होंने किया है, एक कहावत है पुरानी, जैसी करनी वैसी भरनी, उन्होंने अनैतिक काम किए, माननीय न्यायालय का आदेश आया है, हम उसका स्वागत करते हैं। अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है और बीजेपी के ऊपर इसका आरोप लगाया कि नहीं, माननीय न्यायपालिका की निष्पक्षता पर वो प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, ये तो उनसे पूछना चाहिए। वो इसको द्वेष की राजनीति बता दें बीजेपी की तरफ से। ये न्यायपालिका का आदेश है, माननीय न्यायालय ने सजा सुनाई, भारतीय जनता पार्टी ने सुनाई।